झारखंड के लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट फील्ड के खिलाफ आदिवासी और अन्य समुदाय के लोग पिछले 30 वर्षाएं से संघर्षरत थे। 1664 में शुरू नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को अब राज्य सरकार ने अवधि विस्तार नहीं देने का निर्णय लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द कर दिया है। इसी को लेकर झारखंड वासियों ने आज पहली जीत का विजय जुलूस निकाली है, जिसमें अपने पारंपरिक रीति रिवाज में नाच गाना फिरियालाल चौक पर किया। इनके चेहरे पर साफ खुशी देखा जा रहा था। आइए जानते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। अभी जो हेमंत सोरेन ने जो अधिसूचने को जो विस्तार ना हो उसकी अधिसूचित किया है, तो हमको लगता है कि एक तरह से ये बहुत ही खुशी की बात है कि निर्णय प्रक्रिया में एक छोटा कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है, पर ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसे पूरा करने की ज़रूरत है, तभी जाके हमारा खुशी पूरा होगा। अभी खुशी पूरा नहीं हुआ है, तो उम्मीद है हेमंत सरकार इसे पूरी तरह से रद्द करेगी एक गजेटेड नोटिस के रूप में, और तभी जाके हम लोग अपना खुशी मना पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल मनोहर करकट्टा है और हम लोग 1993 से इस आंदोलन को शुरू किए। इस आंदोलन का सिद्धांत है जाति धर्म राजनीति से ऊपर उठकर हमने अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया, और इस आंदोलन में हमने अधिसूचना जब जारी हुई 1993 में, पहले 8 किलो वर्ग किलोमीटर में फायरिंग होता था, और 93 में इसका विस्तारीकरण किया गया, 245 गांव, 1471 वर्ग किलोमीटर। जब हम लोग को मालूम हुआ कि इतने बड़े समस्या विस्थापन आने वाली है कि लोगों को यहां से हटाया जाएगा और फायरिंग रेंज बनेगा, हमने इसके विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। आंदोलन में हम लोग जुलूस प्रदर्शन, धारणा और मांग पत्र नेताओं को, मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को, यहाँ तक राष्ट्रपति तक को हम लोग इसकी मांग रखी, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। एक अधिसूचना 2002 में समाप्त हो रही थी, उसको 4 साल पहले 99 में उस अधिसूचना का विस्तारीकरण करके 2022 मई 11 मई 2022 तक इसको कर दिया गया विस्तारीकरण। तो हम लोग ये जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक कि आंदोलन की अधिसूचना और जो भी अधिसूचना को रद्द किया जाएगा, फायरिंग रेंज को रद्द किया जाएगा, जब तक अधिसूचना द्वारा उसको रद्द का कागज हम लोग को नहीं मिलता है, सरकार गजट द्वारा नहीं करती है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन 11 मई 2022 तक विस्तारीकरण नहीं हुआ, सरकार ने नहीं की, लेकिन उसी दिन सेना के लोग प्रस्ताव लेकर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत जी के पास आए और इसका 20 साल के लिए विस्तारीकरण का प्रस्ताव रखा। हम लोग को मालूम हुआ विशेष सत्रों से कि इसका विस्तारीकरण के लिए प्रस्ताव डाल दिया गया। हम लोग फिर आंदोलन तेज किए और फिर ग्राम सभा द्वारा, ग्राम प्रधानों द्वारा हम लोग लिखित रूप में राज्यपाल, मुख्यमंत्री को हम लोग ग्राम प्रधानों के द्वारा, ग्राम सभा के द्वारा इसका विरोध के लिए हम लोग दिए कि और निर्णय किया गया कि फायरिंग रेंज के लिए 1 इंच हमारे गांव की ज़मीन नहीं देंगे और हम इसको संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि अधिसूचना द्वारा इसको रद्द नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री जी से हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि इसका विस्तारीकरण अभी नहीं किए, और हम लोग चाह रहे हैं कि वे गजट द्वारा इसका विस्तारीकरण ना हो, ये स्थायी रूप से समाप्त हो जाए। विजय जुलूस निकाले हैं जनसंघर्ष समिति की ओर से, जो कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का जो अवधि विस्तार करने की बात आ रही थी उसे मुख्यमंत्री ने रोक दिया है, और उसकी खुशी में हम सभी
अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए पिछले 3 वर्षों से आंदोलन करते आ रहे थे, उस आंदोलन का यह पहला स्टेप है जिसमें हमने विजय हासिल किया है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग पूरे 450 गांव और संघर्ष के साथ ही सभी आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हमें इस संघर्ष समिति की ओर से हम मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इसे अस्थायी रूप से रद्द किया जाए, जो कि अवधि विस्तार की बात आ रही है। हमेशा से केंद्र सरकार राज्य सरकार को दबाव बना रही थी कि नहीं इसे अवधि विस्तार किया जाएगा, लेकिन धरती पुत्र हेमंत सोरेन ने अपने बुद्धि विवेक से जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए उसे अवधि विस्तार न करते हुए इसे रोक दिया गया है। हम पुनः उनसे मांग करते हैं कि इस फील्ड फायरिंग रेंज की जो अवधि विस्तार की जो बात आ रही है उसमें पूर्ण रूप से रद्द करने का प्रयास करें, उस ओर काम करें। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।